अरे भैया, जब बात होती है बनारस की तो सबसे खास त्यौहार में एक है देव दिवाली। और इस साल की देव दिवाली जो होने वाली है 16 नवंबर को, ये तो कुछ अलग ही होने वाली है। और हाँ, पहले सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को, कहीं कोई अपडेट मिस ना हो जाए, कहीं कोई वीडियो देखे बिना ना रह जाओ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और आगे देखो पूरी कहानी। देखो भाई, देव दिवाली का मज़ा ही अलग होता है। जब पूरा बनारस जगमगाता है 12 लाख दीयों की रोशनी से, तब लगता है जैसे स्वर्ग धरती पे उतर आया है। और इस साल ये रोशनी और ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि हमारे घाटों पर 12 लाख दिया प्रज्वलित किए जाएंगे। सुन रहे हो ना, 12 लाख, ये तो भैया रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है ना। देव दिवाली का मतलब है देवताओं की दिवाली, जब भगवान शिव और दूसरे देवता गंगा जी के साथ मनाते हैं अपना त्यौहार। हर एक घाट पर दिया जलाकर बनारस की संस्कृति को दुनिया के सामने प्रकट किया जाएगा। और भैया, इस साल की बात तो सुनो, इस साल ग्रीन फायरवर्क को अभी इंतजाम किया गया है। और हाँ, ये जो सब नई सोच के साथ हमारा बनारस बदल रहा है, उसी का हिस्सा है ये इको फ्रेंडली पटाखे। ये रंग बिरंगे खौफनाक धमाके वाले फायरवर्क्स की जगह होगा इस बार सब कुछ इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, या फिर बोलो तो पर्यावरण को ध्यान में रखे के किया गया इंतजाम। जितनी रोशनी गंगा जी के किनारे होगी, उतनी ही रोशनी आसमान में भी दिखाई देगी। और भैया, इस साल के देव दिवाली को तो देखने के लिए देश और विदेश से हजारों लोग आने वाले हैं। एकदम मेला लग जाएगा, सब अपने मोबाइल में वो पल रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो हमारी शान, हमारी गंगा जी हैं, उनके लिए भी सफाई के काम किए गए हैं, ताकि जब हम देव दिवाली पर घाट पे जाएं तो सिर्फ रोशनी की आनंद उठाएं, गंदगी का नहीं। और हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम वहाँ कोई गंदगी ना फैलाएं। तो भैया, देव दिवाली 2024 की तैयारी पूरी है, तुम भी अपना टिकट कटवाओ, बनारस आओ और देखो कैसे ये शहर देवताओं के साथ मिलकर मनाता है दिवाली। तो मिलते हैं देव दिवाली पर 16 नवंबर को अपनी गंगा मैया के किनारे। बनारस की देव दिवाली को ना देखा तो समझो जिंदगी में एक सबसे बड़ा रंग छोड़ दिया हो। तो दोस्त, इस बार हम मिलेंगे घाट पर रोशनी के इस महाउत्सव में। जय माँ गंगा।